व्हाट्स अप गाइस, माय नेम इज़ अभय शर्मा, यू आर वाचिंग थिंकिंग पेंगुइन। और आज हम लोग बात करने वाले हैं जो हम लोग एमजे स्टाइल का जो कैरेक्टर बना रहे हैं उसका जो बॉडी है वो आज हम लोग बॉडी बनाएंगे। हम लोगों ने हेड ऑलरेडी बना लिया है, तो चलिए बिना किसी लग लपेट के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ कि जो आर्मेचर है मुझे अभी नहीं चाहिए, मैंने बस आपको एग्जाम्पल के लिए दिखाया था, तो मैं इसको पहले डिलीट कर देता हूँ। और जो हेड है उसको मैं कर देता हूँ, ये पूरा कैरेक्टर ही मैं हाइड कर देता हूँ। यहाँ से भी आप हाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं हाइड करता हूँ, इसको भी मैं यहाँ से निकाल देता हूँ। ओके, तो बॉडी को क्रिएट करने के लिए जनरली जो एमजेओ स्टाइल के जो कैरेक्टर्स हैं जनरली उनका बहुत ही सिंपल होता है। वो लोग, मैंने आपको पहले भी बताया कि स्फीयर को लेके उसको स्केल करके उसको एक पर्टिकुलर एक्सिस पे ऐसे करके फिर सिलेंडर से बना बना के वो लोग कैसे बनाते हैं, बहुत ही घटिया तरीके से बनाते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ एक सिंपल तरीका, बहुत ही आसान तरीका है और इसमें आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगा, बहुत जल्दी बन जाएगा। और उसको रिग करेंगे आप तो उसका जो एनिमेशन है वो आपको काफ़ी स्मूथ दिखेगा क्योंकि उसकी जो ज्योमेट्री है वो ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। तो उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्यूब ले लेते हैं, प्लेन लेते, कुछ भी ले लीजिए आप, ठीक है। इसको बंद कर दो और एडिट मोड में जाते हैं हम लोग। वहाँ पे जाके हम लोग टाइप करते हैं अल्ट एम, जो कि मर्ज करने के लिए होता है, या आप राइट क्लिक भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको मर्ज वर्टिसेस है, यहाँ से आप कर सकते हैं एट सेंटर। तो जो एक्चुअल में जो प्लेन ऑब्जेक्ट है वो एक, जिसके सारे वर्टेक्स एक ही जगह पे मर्ज हो गए हैं, तो वो एक सिर्फ पॉइंट बन गया है। देखिए, तो इसको क्या करना है कि मैं इसको जी एक्सिस में ही रखता हूँ, ठीक है। और मान लीजिए मैंने इसको यहाँ पर रखा, ठीक है, और इसको एक्सट्रूड करते हैं। एक्सट्रूड करने के लिए आप ई की दबा सकते हैं या, और ठीक है, और उसको आप जी से लॉक करके रखिए, ठीक है। तो मैंने ऐसे क्लिक किया तो एक लाइन क्रिएट हो गया। आपको एक्सट्रूड के बारे में जानना है तो मैंने उसका एक वीडियो बना के रखा है मेश एडिटिंग के बारे में, आप जाकर देख सकते हैं कैसा काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपके पास एक लाइन यहाँ पर क्रिएट हो गया। अभी क्या करना है आपको, मॉडिफायर में जाना है, वहाँ पर सबसे पहले आपको डाल देना है मिरर, कि हम लोग उसको यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। और मैं इसके बारे में और बताऊंगा आपको, इसको अभी बंद कर देते हैं। और जो दूसरा मॉडिफायर जो हम लोग यूज़ करने वाले हैं वो है स्किन मॉडिफायर, ठीक है। जैसे ही आप स्किन मॉडिफायर डालेंगे तो आपके सामने एक इस टाइप का एक बॉक्स टाइप का क्रिएट हो गया, देखिए, ठीक है। और इसको अगर आप मूव करेंगे तो कुछ इस टाइप का बिहेव कर रहा है। फिलहाल हम लोग क्या करते हैं कि ये हो जाने के बाद इसमें सिर्फ एक चीज़ आप चेक कर लीजिए कि आपका जो एक्सिस है मिरर का वो यहाँ पे, और जो स्किन मॉडिफायर है उसका भी जो मिरर एक्सिस है वो दोनों सेम हो, ठीक है। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसके बाद एक और हम डाल सकते हैं इसके अंदर स्मूथ करने के लिए सरफेस को, सब डिविज़न सरफेस, तो आपको कुछ इस टाइप का मिल जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग जाते हैं फ्रंट में, और फ्रंट में जाने के बाद मैं ऑन कर लेता हूँ वायर फ्रेम ताकि हम लोग को एक्चुअल जो मैश है वो दिखाई दे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये मैश दिख रहा होगा। तो अब करना क्या है हम लोग को, जैसे कि ये मैंने लिया, अभी इसको मैं एक्सट्रूड करता हूँ, तो मैं इसको बाहर की तरफ एक्सट्रूड कर रहा हूँ। देखिए इससे होता क्या है कि ऑटोमेटिकली जो जियोमेट्री है वो क्रिएट करता जा रहा है, ठीक है। इसको हम लोग बेसिकली जब हम लोग कैरेक्टर बनाते हैं तो उसका सबसे पहले तो उसका हम लोग ड्राइंग जो है वो व्यूपोर्ट में लगाते हैं, फिर उसके ऊपर हम लोग उसका बेस मैश क्रिएट करते हैं, जो कि अगर आप स्कल्पटिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए बेस मैश जो होता है बहुत अच्छा होता है। तो पहले हम लोग वही बनाते हैं, तो वही चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे मान लीजिए ये इसका बॉडी है, ये यहाँ पे कंधा है इसका, ठीक है। और उसके बाद हम लोग इसका हाथ ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। तो कुछ इस टाइप का आपको दिखेगा, अगर आप सॉलिड में जाएंगे तो कुछ इस टाइप का आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अभी इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इतना मोटा मुझे नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा पतला चाहिए। तो उसके लिए क्या है कि आपका जो भी वर्टेक्स सेलेक्ट है उसके बाद आप कंट्रोल ए दबाएंगे तो उसको आप स्केल कर पाएंगे ऐसे, ठीक है। तो मैं इसको भी थोड़ा छोटा कर देता हूँ, कंट्रोल ए, और ये भी ये ठीक है, चलो इसको देखते हैं। तो वायर फ्रेम में आपको क्या मालूम चलेगा कि ज्योमेट्री वो सही है कि नहीं है, मुझे लगता है ये ठीक नहीं है, तो आप उसको मूव कर सकते हो या फिर कुछ और करना चाहो। जैसे मैं इसको थोड़ा स्केल करता हूँ तो मुझे कुछ इस टाइप का चाहिए, ठीक है। और उसके बाद ये आपका हैंड है, तो जनरली जो मॉडल करते हैं वो टी पोज में करते हैं, जो कि ऐसा होता है, एकदम सीधा होता है हाथ, जो कि मुझे थोड़ा अननेचुरल लगता है। तो जनरली हम लोग ए पोज यूज़ करते हैं जिसमें बॉडी का जो पोज है वो, जो हाथ है वो ऐसे होता है, जो ए की तरह दिखता है, तो हम लोग ए पोज ही यूज़ करने वाले। तो कुछ इस टाइप का रिलैक्स पोज होता है,
रिलैक्स नहीं लेकिन समझिए कि ये बीच का पोज है, टी पोज और जो रेस्ट पोज है उसमें उसके बीच, तो इस टाइप का हो गया। ठीक है, इसके बाद एक और एक्सट्रूड करते हैं हम लोग ऐसा। ठीक है, तो ये हमारा हाथ हो गया। अगर आपको लगता है लंबा है तो आप उसको छोटा भी कर सकते हैं आराम से। मैं इसको थोड़ा पीछे की तरफ ले लेता हूँ ऐसे, और इसको थोड़ा आगे ले लेते हैं, या इसको भी थोड़ा आगे ले लेते हैं, इसी को थोड़ा आगे ले लो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा ऐसा। ठीक है, अभी इसके बीच में जो है ये दोनों वर्टिसेस को सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक, और इसको कर दीजिए आप सब डिवाइड। तो बीच में एक और वर्टिसेस वर्टिक्स जो है वो आपको ऐड हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम लोग आगे ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग का जो बॉडी होता है ना वो थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ा हुआ था, नॉर्मल बॉडी जो होता है अगर आप वो यू नो जिम विम नहीं जाता हो तो। ठीक है, तो इस टाइप का एक आ गया। यहाँ पे जो शोल्डर से बहुत ही ज़्यादा मोटे लग रहे हैं मुझे, तो इसको थोड़ा एडजस्ट करते हैं और डेफिनेटली गो इनटू द वायर फ्रेम। यहाँ से उसको आप एडजस्ट करने की कोशिश कीजिए। देखिए जहाँ पे आपका जो मेश है वो ज़्यादा ये भी नहीं हो, ख़राब भी नहीं हो। ट्रोल ए, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। ये प्रॉब्लम होता है यहाँ पे। ये ठीक है, नहीं यार मुझे थोड़ा पतला तो चाहिए। चलिए यहाँ तक रखते हैं इसको फिलहाल। ठीक है, चलेगा ये। ओके, हम लोग इसको बीच वाले को, अगर आप चाहे इसको पेट बढ़ाना है आपको तो इसका वैसे पेट बढ़ा सकते हो, यू नो। इसका थोड़ा सा जो है वो नेक बना देते हैं। नेक का बनाने के लिए फिर से इसको एक्सट्रूड करते हैं, और एक्सट्रूड करने के बाद थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले जाते हैं। एक बार और एक्सट्रूड करते हैं, थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं, और इसको हम लोग छोटा कर लेते हैं। सॉरी, ये क्या हुआ, कुछ ज़्यादा हो गया क्या? इसको नीचे रखते हैं छोटा, ये भी थोड़ा सा ऐसा। ठीक है, और थोड़ा आगे की तरफ इसको कर लेते हैं, तो कुछ इस टाइप का दिखेगा। हालांकि जो MJO स्टाइल के जो कैरेक्टर्स हैं उनमें ये चीज़ होता नहीं है, उनका नेक होता ही नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं। अगर नहीं चाहिए तो सीधा डिलीट कर दो इसको। ठीक है, इसको डिलीट कर दे तो एक्स वर्टिसेस चाहिए कि नहीं चाहिए? ओ, ये बीच से निकल गया है, ये एक प्रॉब्लम हो सकता है आपको। तो इसमें एक काम कीजिए आप, जो आपका मिरर मॉडिफायर है एक क्लिपिंग ऑन कर दीजिए, तो क्या है कि ये चिपक जाएगा आराम से। ठीक है, तो कुछ इस टाइप का हो गया। ठीक है, ये मेरा कैरेक्टर, इसका हाथ बहुत लंबा है और जनरली ये ऐसा होना चाहिए। ठीक है, और ये जो आपका अपर आर्म है और जो लोअर आर्म है उसका जो लेंथ होता है वो सेम होता है, इस बात का आप ध्यान रखिए। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप बढ़ाना चाहते हैं प्रोपोर्शन बॉडी का, देखिए इससे बहुत ही डायनेमिकली आप क्रिएट कर सकते हैं अलग अलग टाइप के बॉडी शेप्स। ठीक है, मैं इसको ऐसा रखने देता हूँ। ठीक है, अभी हम लोग नीचे का क्रिएट करते हैं, तो ई करते हैं एक बार एक्सट्रूड। ठीक है, यहाँ से मैं फ़िलहाल क्लिपिंग निकाल देता हूँ ताकि मैं आराम से एक्सट्रूड कर सकूँ बाहर की तरफ, तो ऐसा। ठीक है, फिर आप ऐसा कर सकते हैं, ये वाला भी यहाँ पे ऐसा किया जा सकता है, और ये बहुत ही मोटा है ऑब्वियसली, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं हम लोग पतला। ठीक है, वन, और ये हम लोग मान लीजिए ले लेते हैं, कैसा भी कैरेक्टर रखना है, मान लीजिए जो लंबा है या कैसा है जो भी है, तो उसके हिसाब से बॉडी का प्रोपोर्शन मैंने अभी यहाँ पे ठीक से नहीं किया, मैं इसको थोड़ा नीचे ले लेता हूँ। ठीक है, मान लीजिए ये मेरा लेग है, तो लेग और जो अपर आर्म, जो अपर लेग है और लोअर लेग है उसका भी जो हाइट होता है वो सेम होता है। ठीक है, तो इसको ऐसे ले लेते हैं, और घुटना जो होता है वो आगे की तरफ थोड़ा सा ऐसे की तरफ होता है। ठीक है, वन में जाते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर लेते हैं, और ये नीचे की तरफ लेते हैं, ये उतना बड़ा नहीं चाहिए मुझे, तो हम लोग इसको सेलेक्ट करते हैं बी। ठीक है, बी, और इसको नीचे की तरफ ले आते हैं, कुछ इस टाइप का प्रोपोर्शन में लगना चाहिए। ठीक है, तो ये समझिए कि आपका जो बॉडी है वो समझिए कि ऑलमोस्ट आपका रेडी हो गया है। मैं क्या कर रहा था, सॉलिड में गए हम लोग, एडिट मोड से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है,
तो देखिए कुछ इस टाइप का आपका बॉडी बन के रेडी हो गया है। ओके, और आप इसमें और क्या करना चाहेंगे? इसको स्मूथ करके देखते हैं कैसा दिख रहा है। इसको अगर स्मूथ करेंगे तो ये नहीं हो रहा है, यहाँ से कहाँ से होगा। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा स्किन में, स्किन मॉडिफायर में। यहाँ पे आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, मैं इसको थोड़ा खींचता हूँ। ठीक है, तो ये दिख रहा है स्किन मॉडिफायर। इसके अंदर आपको जो ये ऑप्शन स्मूथ शेडिंग ऑन करना पड़ेगा और ये आपको इस टाइप का दिखेगा। अभी मैंने शायद एक्सरे ऑन किया हुआ है, इसको बंद कर देता हूँ। तो देखिए ये एक सिंपल बॉडी जो है वो क्रिएट हो गया। अभी मैं कैरेक्टर को ऑन करता हूँ और यहाँ पे मैंने क्या किया ना, यहाँ पे आपका जो यूनिट्स है वो देखिए कि ये जो एक बॉक्स आपको दिख रहा है ये 1 मीटर का है और ये 2 मीटर हो गया। तो उसके हिसाब से आपका जो कैरेक्टर है वो रियल वर्ल्ड यूनिट्स में अगर आप बनाएंगे तो आपका बाकी चीज़ जो है वो आसान बनता है, जैसे लाइटिंग वाइटिंग करना है या फिर और भी चीज़ें जो होती है फिजिक्स की, तो उसके हिसाब से ही आपको बनाना चाहिए। वो लगता है कि नहीं बड़ा करना है तो बड़ा कर सकते हो। मैं इसका नाम देता हूँ बॉडी। तो ये हमारा हेड जो है वो काफ़ी बड़ा है क्योंकि मैंने उसको डेमोन्स्ट्रेशन के लिए किया था, तो इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। कैसा आपको जैसा चाहिए, ठीक है, इतना बड़ा चाहिए। यहाँ पे ऐसा आपने इसको लगा लिया तो आपका जो बॉडी है वो यहाँ पे आपका क्रिएट हो गया। ठीक है, जो इसके अंदर भी मटेरियल है वो मैं डाल देता हूँ स्किन का। तो देखिए ऐसा हो गया। इसको जनरली देखिए कहाँ पे रखना चाहते हैं आप, 1 में जाते हैं, 3 में जाते हैं, और 3 के हिसाब से इसको थोड़ा सा ऐसा रखते हैं। ठीक है, तो ये ऐसा दिख रहा। ठीक है, ये छोटा छोटा सा नन्ना मुन्ना सा कुछ आपका बन गया। ठीक है, तो ये है इसकी बॉडी। एंड इसके जो बाकी चीज़ें हैं जैसे क्लॉथ है वो सब मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।